नेटफ्लिक्स पर ऋषि कपूर ने पकाया राजमा चावल। ये फिल्म खट्टे मीठे रिश्ते में तड़का लगाती है। अमारा दस्तूर ऋषि कपूर स्टारर राजमा चावल नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म में ऋषि कपूर के साथ अमारा दस्तूर और अनिरुद्ध तंवर लीड रोल में है। फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है। फिल्म को लीना यादव ने डायरेक्ट किया है। राजमा चावल में ऋषि कपूर एक पिता जबकि अनिरुद्ध बेटे और अमायरा उनकी गर्लफ्रेंड का किरदार निभाती नजर आती हैं। फिल्म में अनिरुद्ध बेहतरीन रोल में नजर आ रहे हैं। उनके लुक को काफी पसंद किया जा रहा है। अनिरुद्ध फिल्म राजमा चावल से चर्चाओं में आ गए हैं। राजमा चावल में दो जनरेशन के गैप को बहुत ही सटीक तरीके से दिखाया गया है। कैसे समाज में आ रहे बदलाव की वजह से परिवार में दूरियां बढ़ती जा रही हैं, बच्चे अपने माँ बाप से बात करने से भी कतराते हैं, ये सब कुछ दिख रहा है फिल्म राजमा चावल में। पर इन सब में सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इंडस्ट्री को मिल गया है एक नया चेहरा, अनिरुद्ध तंवर। कूल, हैंडसम, गुड लुकिंग एंड ऑफ कोर्स टैलेंटेड, अनिरुद्ध तंवर बॉलीवुड में एक नया चेहरा है। अनिरुद्ध तंवर एक प्रोड्यूसर भी रहे हैं। उन्हें फिल्म पॉच्ड के लिए जाना जाता है। वो टीन और पॉच्ड को लेकर काफी चर्चाओं में रहे। हालांकि इनमें उन्हें नोटिस नहीं किया गया था, लेकिन अब वो राजमा चावल से डेब्यू करने जा रहे हैं। राजमा चावल में वो बहुत ही कूल और हैंडसम नजर आ रहे हैं। राजमा चावल से अचानक ही अनिरुद्ध तंवर चर्चा में आ गए हैं। अनिरुद्ध तंवर जयपुर के रहने वाले हैं। अनिरुद्ध का सपना शुरू से ही एक्टर बनने का था, लेकिन वो एक ऐसी फैमिली से आते हैं जहां एक स्टैब्लिश कैरियर और एक हैंडसम सैलरी होना बेहद जरूरी है। एक इंटरव्यू में अनिरुद्ध ने बताया कि वो शुरू से ही एक्टर बनना चाहते थे, तो उन्होंने अपने फादर से जब ये बात कही तो उन्होंने कहा कुछ और बताओ। तो ऐसे में अनिरुद्ध को समझते देर नहीं लगी कि पापा कुछ और चाहते हैं। बस फिर क्या था, ये वो वक्त था जब अनिरुद्ध 9th क्लास में थे, अपने माइंड को प्रिपेयर कर रहे थे और तैयारियों में लग गए थे इस बात से बेखबर कि वो एक्टर बनना चाहते हैं। उन्होंने अपने इस सपने को थोड़ी देर के लिए रोका और फिर बड़े होकर उन्होंने अपनाई दूसरी फील्ड। ये फील्ड थी पायलट की। उनका मानना था कि बड़े होकर दुनिया देखनी है, समझनी है, एडजस्ट करना है, तो ऐसे में पहले वो पायलट बने। यानी कि अनिरुद्ध की पहली उड़ान थी पायलट की। पायलट में उन्होंने लंबे वक्त तक काम किया। लंबी उड़ान भरने के बाद एक बेहद इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया था कि वो एक्टिंग में कैसे आए। दरअसल अनिरुद्ध बचपन से ही बहुत शाय यानी कि शर्मीले थे, और कभी कभी तो ऐसा होता था कि वो स्कूल में भी इतना शर्माते थे कि वो बहुत देर तक क्लास के बाहर ही खड़े रह जाते थे। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ उन्हें एक्टिंग में मजा आता था। यानी कि मजे की बात तो ये है कि वो बहुत शर्मीले थे, पर एक्टिंग करते समय उन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती थी। यही वो चीज थी जिसके लिए वो बिल्कुल प्रिपेयर रहा करते थे और जब चाहे जहां चाहे उनसे एक्टिंग आप करवा सकते थे। बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि उनके अंदर एक्टिंग का एक ऐसा कीड़ा है जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी निकलता रहता है, और जब इसके बाद वो सेटल हो गए, उन्होंने पैसे भी कमा लिए, तब उन्हें लगा कि उनका सपना जो है उसे पूरा किया जाए। यानी कि उनका सपना तो एक्टर बनने का था। उनकी नजर में एक्टिंग ही वो चीज है जिनसे उन्हें बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है। आपको ये भी बता दें कि अनिरुद्ध को फिल्में देखना काफी पसंद है, साथ ही उन्हें सभी की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। उनका कहना है कि किसी का डांस, किसी का एक्शन, सब कुछ उन्हें भाता है, और यही चीजें भी उन्हें फिल्मों में आने की प्रेरणा देता रहा। फिल्म राजमा चावल की अपनी को स्टार अमायरा दस्तूर की उन्होंने काफी तारीफ की। एक इंटरव्यू में अनिरुद्ध ने कहा कि अमायरा से उन्होंने कुछ चीजें सीखी हैं, और वो चीजें हैं जो मन में आए वो करो, सच बोलो, और जो पाना चाहते हो उसके लिए मेहनत करो। इसके अलावा अनिरुद्ध ऋषि कपूर की भी काफी तारीफ करते हैं। तो इस तरह से अनिरुद्ध तंवर की जो लाइफ है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अनिरुद्ध एक ऐसे एक्टर के तौर पर उभरने वाले हैं जिन्होंने एक्टिंग के कीड़े को मरने नहीं दिया। वो लंबे वक्त तक पायलट रहे, बावजूद भी उनकी उड़ान बॉलीवुड में थी। तो इस तरह उस उड़ान के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनकी नई उड़ान के साथ हाजिर है उनकी राजमा चावल, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। और जिस तरह से अनिरुद्ध तंवर की पोटेंशियल है, उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि वो लंबी रेस के घोड़े जरूर साबित होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।